पता नहीं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा हाथ उठाएगा, अरे बाप ला तू अजमेर से डायरेक्ट पिंडारी ना मांगा ये क्या बोल के तू झूठो खाली फुसफुसा तू कुछ नहीं जाने हम लोग नहीं जाने कुछ नहीं जानता हजरत हाथा बांधता ना ला तो डायरेक्ट मक्का दखब कर एकदम मुहा खाली सीन सुना तो कुछ नहीं सुना कुछ नहीं जानता धोखा दे के मस्जिद से आ जाता है 95-96% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना जानता मैं लिख के दे सकता क्या बात करते हो जी जे तो नहीं अपने याल ही कोई नहीं बैठा दे इतना अच्छा अच्छा कलाम पढ़ा जा रहा है अरे भाई आप लोग से पैसा नहीं तो कम से कम जुबान तो खोल सकते हैं ना कुछ तो बोल सकते हैं भैया मुझे पता है कि खाने का मसला है लेकिन की करबी तब तोहनियो को मुंह छके दे भाग जाए तो हम ये कह रहा है तोने खिया दे तो नहीं भाग जाबी ना ना यज खिना तो नहीं फसो माशाल्लाह ज्यादा देर नहीं बहुत जल्द हम तो कहते शिरनी ले आई मुहा देख लेने झारखंडिया की दिखा है ककनो फुरता अपने सुन ले हम लोग जबरदस्ती नहीं बोलते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं ऑल माय अहले सुन्नत सामीन अहले सुन्नत खवातीन अहले सुन्नत बच्ची अहले सुन्नत बूढ़े अहले सुन्नत जवान अहले सुन्नत मेहमान अहले सुन्नत खड़े खड़े पहलवान अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जवाब से पता चल गया तोनी साफ जला रहे की करेगा अच्छा अच्छा फिरोज अंजुम भी बोल शहर भेज लो संगे जा करो जल जल तो हूं जो तो हम अटम नारा नहीं लगाया तो चल जे न तो जो न तो चलिए जे माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं बहुत हमारा मुझको मानते भी हैं थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہم آپ سب مل کر ایک ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں پڑھیں اللهم صل على سیدنا وشفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلی اللہ علیہ سلاتن و سلامن علیک یا رسول اللہ سفر لوگ بہت کرتے ہیں زندگی میں پوری زندگی میں لوگ کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا لیکن شراف اس ایسے سفر میں نکل رہا ہے جو پوری زندگی بھر لوگ اسی سفر کا انتظار کرتا ہے پوری زندگی بھر لوگ دعا کرتا سفر دیکھے لوگ کہاں مدراس کہاں بمبئے کہاں گجرات کہاں سسرال کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا لیکن ایسا سفر یہ کرنے جا رہی ہے کہ سفر ہرمین کا حاصل اگر ہوتا تو اچھا تھا کہیں زبان اللہ کچھ بولیے اللہ نے زبان دی ہے نہیں بولنے کی وجہ سے آج مسلمان کے خلاف سب کوئی بولنے لگا گودی میڈیا بولیے رہا ہے اس کا میکو بول دیتا ہے چونکہ ہم لوگ بولنا چھوڑ دی ہیں इसीलिए आज मामूली वो घटना झारखंड में घटा बाल में वही प्रतिबंध बीफ के कारण में तो आदमी को कहीं जेल में डाल दिया गया है। क्या क्या नहीं हो रहा है आपके यहाँ? आप हैं कहाँ जी? क्या कर रहे हो? अभी ट्रेन में ही देखा है आदमी को भैंस का गोश्त ले जा रहा था उसको मारा। अभी ये कौन आर्यन मिश्रा ब्राह्मण गण का था गोरक्षा वालों ने है ना मार दिया। देखा कि नहीं देखा? दिन रात सोशल मीडिया में देखते रहते हो फिर भी चुप कब बोलोगे?
लूट जाओगे तब बोलोगे, घर चलेगा तब बोलोगे, इज्जत नीलाम होंगे तब बोलोगे, फुटपाथ पे सोओगे तब बोलोगे। अरे अल्लाह ने जबान दिए बोलो, महफिल मुस्तफा में बैठे हो। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरी अक्दस पे यूं तो रोज जाता हूं, तस्वुर में दरी अक्दस पे यूं तो रोज जाता हूं, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था, हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हर दम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। लोग मदीना पेपर में अखबार में कैलेंडर में छाप देखे होंगे, लेकिन ये जो जा रही है वो गुंबदे खजरा अपने आंखों के सामने देखेंगे, वो समा कैसा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, खुद मनाजा आप सोचते होंगे। जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं कि हम कम से कम इन आंखों में कभी गुंबदे खजरा देख लें, और दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मुसलमानों अल्लाह के रसूल की बारगाह में इश्क देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। बिलाल काला था गोरा नहीं था, बिलाल सैयद नहीं थे हबशी थे, बिलाल अमीर नहीं था गरीब था, बिलाल पढ़ा नहीं था अनपढ़ था, बिलाल आजाद नहीं गुलाम थे, लेकिन जब नबी से इश्क कर लिया और नबी के इश्क में अपने आप को लुटा दिया तो बिलाल मदीने में चलते थे, बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती। यह मकाम आज कुछ लोग सोचते हैं कि घर बना लिए हम कामयाब हो गए, हमने मार्बल लगा लिया कामयाब हो गए, हम बड़ा गेट लगा लिए कामयाब हो गए, मेरे घर में दो गाड़ी हो गई कामयाब हो गए। नहीं मुसलमानों, हजरत बिलाल के पास कुछ नहीं था लेकिन नबी की इश्क, नबी से मोहब्बत इस कदर किया था, इस कदर किया था कि बिलाल जब चलते थे तो लोगों ने जुल्म भी किया लेकिन बिलाल की जबान से नबी का नाम को ना मिटा सका। आज हमारी मोहब्बत, बाप नमाज पढ़े बेटा शराब पिए, तुम जुमा भी पढ़ते हो शराब भी पीते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो शराब भी पीते हो, तुम जाकर के जनाजे में शिरकत करते हो शराब भी पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो शराब भी पीते हो, अभी रबी अव्वल में जुलूस से मोहम्मद में घूमोगे शराब भी पियोगे, जबान से कलमा पढ़ते हो शराब भी पीते हो, मिलाद में बैठते हो शराब भी पीते हो, आप कभी कभी जनाजे में जाते हो शराब भी पीते हो, सलाम भी करते हो शराब भी पीते हो, कुरान की आयत जबान पे लाते हो शराब भी पीते हो, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हो शराब भी पीते हो। हे मुसलमानों तौबा कर लो तौबा, जिंदगी बची है। अरे जब मूसा पैगंबर के दौर का 100 साल का पापी अगर मजमे में बैठे बैठे तौबा कर ले और उसकी तौबा अल्लाह कबूल कर सकता है, तुम तो आखिरी नबी की उम्मत हो, रहमतुल आलमीन की उम्मत हो, तहावा यासीन की उम्मत हो, तुम बैठे बैठे दिल से तौबा करोगे, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत सिद्दीक भाई साहब की बिला, नारे तकबीर नारे रिसालत। लोग अगर प्रोग्राम में 10-20 मिनट देर हो जाए तो दिमाग उकताने लगता है कि खाना कब खाएंगे, लोगों जिंदगी भर खाना ही होगा, जिंदगी भर तो खाते रहोगे, खाने जब भूख आए तो करबला याद कर लेना, तीन दिन से खाना नहीं कोई खाया था, तीन दिन से पानी नहीं पिया था, लेकिन मैदान करबला में जब जान की बारी आई थी तो पूरे खानदान ने जान दे दिया, लेकिन शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दिया। क्यों पता है क्यों नहीं?
हुसैन आपने करबला में जाकर के हाथ मांगा था दे देते बेटा बच जाता, यजीद ने हाथ मांगा था देते तो भांजा बच जाता, यजीद के समर्थन कर देते हुसैन तो आपका खानदान बच जाता, यजीद के हाथों में हाथ दे देते हुसैन परिवार बच जाता, आप यजीद का सपोर्ट कर देते तो आप बच जाते, यजीद के बैत कर लेते तो आप बच जाते। इमाम हुसैन ने कहा सुन, यजीद 36 साल का जवान था, यजीद अय्यार था, धोखेबाज था, वो गद्दार था, सबसे अव्वल दर्जे का वो शराबी था, शराबी। और अगर हम करबला में शराबियों का सपोर्ट कर देते तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाती। इसलिए मैंने ये फैसला कर दिया करबला के मैदान में कि सुबह कयामत तक जो बंदा शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर पिंडारी में कोई पीता है शराब वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, भले ही वो या हुसैन कह ले, वो नमाज पढ़ ले, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। इसलिए आज जरूरत है इस्लाम में साफ सुथरा होकर के घुसो। मुसलमानों नमाज में मजा नहीं देते, जुम्मा पढ़ते हो 2 रकअत, नमाज में चोरी करते हो, नमाज में चोरी मुसलमान करने लगा। पहले तो यहां वहां चोरी करता था, अब नमाज में चोरी करने लगा। 4 रकअत तूने पढ़ा नहीं, चोरी कर लिया। 2 रकअत पढ़ के भाग गए, पीछे भी 4 रकअत नहीं पढ़े जुमा में, चोरी कर लिया। तैयार नहीं पढ़ पाते हो, चोरी कर लिया। दुरुस्त नहीं पढ़ते हो, चोरी कर लिया। दुनिया गति कर नमाज पढ़ रहा है लेकिन तुम चोरी कर रहा है। तुझे तैयार पता नहीं, दुरुस्त शरीफ पता नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा हाथ उठाएगा, अरे बाप ला तू अजमेर से डायरेक्ट पिंडारी ना मांगा, ये क्या बोल के तुम झूठो, खाली फुसफुसा तो कुछ नहीं जाने, जाने, जाने। हम लोग नहीं जाने, 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 जाने कुछ नहीं जानता हजरत, हाथा बांधता ना ला तो डायरेक्ट मक्का दखब कर एकदम मुहा, खाली सीन सुना तो कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जानता, धोखा दे के मस्जिद से आ जाता है। 95-96% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात करते हो जी, एक मौला 8 दिन तक रटा है तब हम लोग तहियात शरीफ तहियात याद किए हैं, 3 सप्ताह रटा है दुरूद शरीफ याद किए हैं, 15 दिन दुआ कुनूत याद किए हैं, कितना दिन रटे तब 2-4 सूरत याद किए हैं। आपने कभी मस्जिद नहीं देखा, इमाम के पास नहीं बैठा, मदरसा नहीं गया, न अंपरा खोल के देखना, संदर कुरान पढ़ा, आप पढ़ते क्या नमाज में? धोखा नहीं देते, चोरी नहीं करते नमाज में? चोरी क्या करोगे तुम नमाज में? चोरी करने लगे मुसलमानों। आज तुम कहते हो परेशान है, 313 था तो लजता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। गरीब नवाज आए थे भारत, खानकाह में नहीं आए थे मेरे गरीब नवाज, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में, किसी मजार में नहीं आए थे। गरीब नवाज कहाँ आए थे पता है? जहाँ 150 राजा रहता था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, जोगी जापाल वहां आया था, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर थे, 150 राजाओं का स्थान, जिस देश का, जिस राज्य का नाम राजस्थान है, वहां मेरे खाजा आए थे। महाराजपूत था, चौहान था, बघेला था, महान थे, बड़े बड़े राठौर था, बड़े बड़े चनवाधारी, टिक्काधारी, चंदनधारी थे, मेरे खाजा ने वही चटाई डाल दिया। क्यों डाल दिए? वो जाके डाल दिए, मशीन गई लेके नहीं आए थे, तोप गई लेके नहीं आए थे, मशीन गई लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, कोई दल लेके नहीं आए थे, चंद मुरीद को लेके आए थे, कुरान के पारा लेके आए थे, तस्बीह का दाना लेके आए थे, पेशानी पे सजदे का निशान लेके आए थे। जब मेरे ख्वाजा ने भारत की धरती पे अपने पड़ाव को डाल दिया, पृथ्वीराज हिल गए, हुकूमत खिसकने लगी, पूरी दुनिया ने देख लिया ये सिर्फ रूह वाले नहीं है, ये रूहानियत वाले का काम। आप जिंदा हो, जिंदा हो, लेकिन कैसे जिंदा हो? खाते पी तो क्या सोचते, जिंदा है, जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी नहीं जिस जिंदगी तो अल्लाह ने तुमको जिंदगी दी है। आज मुसलमान परेशान है, मानो ना इतना कमाते हैं, बरकत क्या होती है? बाप बेनमाजी है, माँ तेरी बेनमाजी है, तेरी बीवी रात भर LCD देखती है, बेटा व्हाट्सएप में खेलता है, भाई YouTube में खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई PUBG में पागल है, कोई एक ढोका पी के घर में फटाफटी मरा मरी लूंगी समझा पी के घर वाली पर मार बो मुहा फंस के दे कि माटी मुंह के फंस के दे ना, वैसे ही होता है
पी के आया, घर वाली कुछ बोली, बोले खेलने कहां आली, बोल देखबी मारी मुंह फंस के, अरे अपने को मुंह फंस कर लो पहले। ऐसे ऐसे लोग रहेगा समाज में, कहेगा मौलाना मुसलमान परेशान है, इस्लाम खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न मुसलमान परेशान है, न कुरान खतरे में है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, अरे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदल जाएगा, मुस्लिम बदलेगा जमाना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, हमारे इमाम साहब क़िबला। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। ये लोग चाहता है कि चंद मदरसों में ताला लगा देंगे इस्लाम मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। अतिक्रमण के नाम पे मस्जिदों को तुम तोड़ते रहो, इस्लाम नहीं मिटेगा। चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद लोगों को यूएपीए कानून डाल करके जेल में ठूसने से इस्लाम मिटने वाले नहीं है। चंद लोगों को सड़कों पे मोम लिंचिंग करने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कुरान को पलटने के लिए 22,000 फौज करबला में आया था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन हुसैन के मानने वाले सब्र करते करते नहीं थकेंगे। ये सब्र कर चुका है, पहले इनके बाप दादाओं ने सब्र का पैगाम दे चुका है। इसलिए अपने बेटा और बेटी को पढ़ा, मत घर बना भैया, मत घर बना, घर तोड़ दिया जाएगा। मत बिल्डिंग बना, क्या है बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग खड़ा कर दिए हो, अंदर में बेटा शराब पी के घुस रहा है, शर्म होनी चाहिए। घर के अंदर में तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, बिल्डिंग तो है 50 लाख की बिल्डिंग बनाया, लेकिन महीना बीत गया एक दिन पारा खोल के पढ़ा तक नहीं। मोबाइल चार चार बेटा है, सब मोबाइल पूरे घर में, यूट्यूब की आवाज, गाने की आवाज, वीडियो की आवाज आती है। काश मुसलमान के घरों से तलावत कुरान की आवाज आती, आज मुसलमान उस प्लेटफार्म में लौट जाते जो 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों है पर करते हैं गुलाम। वजह यह है हमारे बेटे 15 साल की उम्र हो गई, नापाक रहता है। मुसलमान के बेटा इतना बेवकूफ हो गया, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता। आज सोशल मीडिया पे नहीं देखते, आज तुम 15 साल 10 साल 12 साल के बेटों के हाथ में मोबाइल देकर के उनको लंगा लूढ़ा बना दिया है। उस बेटे को तूने अपाहिज बना दिया है, उस बच्चे के हाथ में तूने मोबाइल देकर यतीम बना दिया है। काश उन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेता, किताब पोथी थमा देता, स्कूल का रास्ता बता देता, वही बेटा कहता माँ कदमों में तेरी जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा नरब की रजा है। ए माँ पूरी दुनिया मदीना जाए, तू मदीने से लौट के आना, हम तेरा चेहरा देख लेंगे, अच्छा सबाब मिल जाए। जाहिल रखोगे, खुदा के वास्ते बेटों के हाथ में मोबाइल मत देना, जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना मैंने देखा सोशल मीडिया पे नाम लड़की का सलमा है, शोहर का नाम महेंद्र है, बेटी का नाम जैनब रखा है, लेकिन शोहर का नाम जितेंद्र रखा है। अफसोस नहीं लगता, कोर्ट मरीज करके भाग रही है। ये कौन माँ बाप की बेटियां हैं, वो आवारा घर की बेटियां हैं, जो बेटी के जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देकर तुम चुप बैठ जाते हो। कसम खुदा की लोगों, उन बेटियों के हाथ में कुरान थमा दो, बेटी फातिमा नहीं करी से फातिमा बनेगी। जब एक माँ सब्जी खा ले, बैगन की सब्जी खाए तो उनका छोटा बच्चा दूध पीता है, तो माँ के बैगन खाए बच्चा नहीं खाता है, लेकिन उस दूध के जरिए से बच्चे के पेट में बैगन की सब्जी चली जाती है, वो जो पखाना करता है तो वही दाना नजर आता है। जब एक माँ साग खा ले तो साग का असर हो जाता है, माँ मिठाई खा ले तो बच्चे के पखाने में मिठाई का असर होता है, बच्चा नहीं खाता माँ खाती है। जब एक साग खा सकती है माँ, बच्चे पर असर हो सकता है। बैगन खा ले बच्चे पे असर हो जाए, करेला खा ले बच्चे पे असर हो जाए, तो माँ बाप अगर हराम खाए तो क्या बच्चों पे असर नहीं होगा? हराम का लुकमा खाएगा बच्चे के पेट में असर नहीं होगा? जब तेरे रब ने तेरी माँ के पेट में 9 महीना तक मुंह को बंद करके नाभि से खाना पहुंचाया, क्योंकि वो फासिद खून होता है, वो नापाक खून होता है, जो औरतों के आदि तौर पर महीने में आता है, जब हमल ठहर जाता है वो खून रुक जाता है। अब वो अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे के मुंह से वो खून जाए, 9 महीना पेट में अल्लाह मुंह बंद करके नाभि से देखे, जब तुझे जिंदा रख सकता है तो अल्लाह रज़्ज़ाक है, तुम्हारे
खेत और बिल्डिंग रज़ाक नहीं, तुम सब कर लो, चटाई पे सो जा, एक लुकमा खा लो, एक 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब पहले जन्नत न जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए सुन्नत, हमारे सिद्दीक भाई की बिला, नारे तकबीर। चूंकि वक्त कम है, खाने पीने का मसला है, हम लोगों का पहले से ये बाप दादा का सिस्टम बना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद कीजिए हजरत, तीन चार लोग किधर बुद्धू खाले घुड़मुड़िया मारते और दो बुढ़ों ने खाले चुप चुप मिला था, चुप ने बुढ़ों सुनते किधर नहीं सुनते। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, वही होता हम लोग नहीं देखते। और जहाँ पहले खनवा खिला दीजिए, पटा ठोकने ठोकने हवा हवा, कहाँ जाए रे, बल घर हम कोई ना हो, क्या घर की भूत हलो तर घर, तीन चार गो पोहना मेहमान टुकु टुकु टुकुर लखन बैठल, वो सब फंस गेलो से कर, पहले खिला दीजिए हवा, कहाँ जाए, बोल तनी पेटा हमर ढीम ढाम करब करू, तो तीन प्लेट ठूस में ढीम ढाम कर, जहाँ खाना नहीं जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं, और जहाँ पहले मिला बाद में खाना, 9:30-10 बजते बजते फूका फूकी शुरू, उफ सरवा यार को मौलवी मचे लोग, सरवा यार को हई हो गई यार को अखन बैठ ले, वो कह तो मतलब तन मौला छोड़ दे सरवा के लगे सला, बोल यार को मचे लोग वो मौलवी वाला वो कह तो इरकम की तकरीर हवे, लेकिन आज मैंने इधर उधर कुछ नहीं किया, मैंने खालिस तकरीर इसलिए किया, कुछ लोग एतराज करते हैं, मैं हंसाने वाली तकरीर कतई नहीं करता, यूट्यूब खोल के देखना मेरी तकरीर में लतीफा चुटकुल्ला खिस्सा कहानी एक भी नहीं मिलेगा, वरना तकरीर करना छोड़ देंगे, पूरी तकरीर में खंगालना, कहीं लतीफा नहीं मिलेगा, कहीं चुटकुल्ला नहीं, कहीं खिस्सा नहीं, कहीं कहानी नहीं, मैं हंसाने वाले बात करता ही नहीं, मैं रुलाने की बात करता हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को जानता है, अपने भारत तो भारत है, मेरी तकरीर नेपाल में 5-6 हो चुकी है, फिर भी जा रहा हूँ अक्टूबर में, अल्लाह का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है, हम लोग जलने वालों में से नहीं, हम लोग चलने वालों में से, कुछ लोग जलते जलते जल गए, कुछ लोग चलते चलते निकल गए, माशाल्लाह दुआ करो तुम भी इस लायक पहुंचो, खिलाफ बोल के क्या करोगे तुम, झारखंड को कहां कहां रोकोगे, अभी कल जाएंगे रांची रोक रोक, परसों रहेंगे बंडिल में रोक रोक, फिर रहेंगे 18 को क्या 19 को रहेंगे क्या कहते हैं लाल तुरंगी का हवा में, कहां रोकोगे, एक दो गांव में झारखंडिया कहां का, तब की तो रहा का, तो अजीब बात बोलते हो जी, उल्टा सीधा बक निकल जाते हो, अगर कोई ऐसा जुमला हो जो गिरफ्त हो तो तुम मेरे सामने, 100-100 मुफ्ती के बीच में झारखंडी तकरीर कर चुका है, 100-100 उलमा इकराम के बीच में, मैंने कभी आलिम की बुराई नहीं की, अगर फर्स्ट कोई आलिम आज तहरीक के बेदारी जो बलियावी साहब लेके चले हैं ना, क्या लेके चले हैं, इमाम की तनख्वाह, डीजे पड़ाका बंद करो, शादी में तिलक बंद करो, नाच गाना बंद करो, ये 2012 में झारखंड की पहली तकरीर ऑडियो में वायरल हो चुका है, जो डीजे पर पड़ाका पर इमाम पर सब पर तकरीर हो चुकी है, आज उसी तकरीर झारखंड की तकरीर को लिए आज बलिया साहब तहरीक बेदारी चला रहे हैं, मैंने 12 साल पहले ही तकरीर कर चुका हूँ, उस टाइम लोग कहा था झारखंडी डीजे पड़ाका इंस्टाग्राम को एतराज किया था, आज उसी तकरीर को लेकर के ओलमा बड़े बड़े है ना इदारे से निकल के तहरीक बेदारी लेकर चले हैं, मैंने कहा लोगों अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, रबी अव्वल के दिन में सड़कों पे चला था, जुलूस ए मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, ए बाबा कर दो 3 लाख दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अरे मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे, इंशाल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, जो मेरी तकरीर जिस अंदाज में होती है वो मेरा अंदाज बदला नहीं है, वही अंदाज अभी भी है, लेकिन वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है, गर्दन गिर है, अगर बेसी देरी कर भी देव कोनस पोखल मर देते ना, एकागो पोखल मर देते जे मुलवी ने बड़ी देरी करी, एकागो पोखला गिरा दी अपनी उड़ जाती, क्योंकि लोग खाने का मिजाज बना लिया, मोनाम सोचो करो कहां बैठबे के बेर लेबे सलतवा नया खाबो, ये अपने सोचो करो कि मौलवी तकरीर सुने
जहन में घुरप करो, पथरी घोरो, कैसे काले टाइम में मुंह एक बात घुरत है ना। हम लोग समझ जाते हैं और खाने पीने का टाइम भी हो चुका है। साहब खाना ने अपनी माँ को भेज रहा है, बड़ा वफादार बेटा होता है जो माँ को मदीना भेजता है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप हयात है। आका फरमाते पलट के तू घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब हक है। दुनिया हाजी कहे या न कहे इसका फिक्र मत करो, अल्लाह ने दौलत दी है, गुम्बद खजरा देख ले। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ात वाजिब हो गई। तुम भूल जाओगे कि हम 2024 में झारखंड से गए थे, आका के रोजे को देख के आए थे। आप भूल जाओगे, फरिश्ता लिख लेगा किसने आका के रोजे को देखा है। कल मैदान महशर में जब कोई काम भी आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आएंगे। तू मत घबरा, तूने मेरे रोजे को देखा है, मेरा वादा है कि जो मेरे रोजे को देख लेगा उस पर मेरी शफ़ात वाजिब होगी, जिस पर सरकार की शफात होगी वो जन्नत का हकदार। हक है, हक है। इन चंद जुमलों को मौला अपने हबीब के सदके में तू कबूल फरमा, साहिब खाना के नेक इरादे को कबूल फरमा कर। मौला कदीर और इनके घर के जो मरहूमीन मरहूमात खानदान से चले गए हैं दुनिया छोड़ करके, मौला उनके कब्रों पे नूर और रोश जन्नतुल फिरदौस की ठंडी हवा नसीब अता फरमा। पूरा मजमा एक मरतबा मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम।